जिला पुलिस विभाग द्वारा लघु सचिवालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भौरिया ने भाग लिया। इस अवसर पर सुरक्षा शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह, DICID इंस्पेक्टर विक्रम भादू व उसकी पूरी टीम मौजूद रही। पुलिस कर्मचारियों से पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह न सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाते हैं। पेड़ पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम सब पेड़ों के महत्व को समझें और इसे बचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम सभी लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एक बहुत अच्छा संदेश ये रहेगा, और सभी और स्वस्थ वातावरण में रहेंगे तो सभी स्वस्थ भी रहेंगे, और इसकी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। सर, लगभग कितने पौधे लगाए गए आज यहाँ पर? ये CID द्वारा डिस्ट्रिक्ट में 150 के आसपास पौधे अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं, तो अभी हम और भी जो है इसमें कोशिश करेंगे कि सभी थानों में भी, पुलिस लाइन में, सभी सरकारी बिल्डिंग्स में और भी जगह जहाँ इसकी बेसिकली लगाने के बाद केयर हो सके, तो उसी संदर्भ में अधिक से अधिक पौधे लगाने का। पुलिस के द्वारा भी लगाए जाएंगे जिस तरह पुलिस लाइन में एक मुहिम अभी चलाएंगे, तो उसमें क्योंकि पहले भी मुहिम चली थी उसमें काफ़ी संख्या में पेड़ लगे थे, तो ऐसे ही एक मुहिम और इसमें चलाई जाएगी। सर, मोटिवेट करना इसका जो मेन कारण है पौधे लगाने? हाँ बिल्कुल, जो है वैसे भी गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये है कि हर बच्चा कम से कम अपने नाम से एक पौधा लगाए, और ना केवल लगाए उसकी देखभाल भी करे। दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने चिंता जताई है। बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का प्रतिनिधि मंडल आज जिला प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद सुनीता जांडली की नेतृत्व में DC से मिलने लघु सचिवालय पहुंचा। DC की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल ने नगराधीश को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में सुनीता जांडली के अलावा महिला समिति की जिला सचिव सुरेश कुमारी पूनिया, मुकेश रानी, जंगीर कौर बिमला, गीता देवी, जसवंत कौर, एडवोकेट कमलेश वशिष्ठ, पूनम सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। सुनीता जांडली ने कहा कि इसको लेकर महिला समिति द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को PM को भेजा गया है।